तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सापिक ट्रेन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, गुल्ली बुल्ली को छोड़कर सारे लोग रेलवे स्टेशन पे आ चुके थे और सारे लोग गुल्ली बुल्ली के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को देखकर सोन कहता है, ये तो हमारी ही ट्रेन है, गुल्ली बुल्ली ने 3 दिन पहले इसी ट्रेन का टिकट कराया था। सोन की ये बात सुनकर सारे लोग ट्रेन को देखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कहीं गुल्ली बुल्ली की वजह से आज इन लोगों की ट्रेन ना छूट जाए। रॉड सोन से कहता है, अरे सोन, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या हम लोग इसी ट्रेन से जाने वाले हैं? हाँ सोन, तुम सच कह रहे हो ना? कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? सोन कहता है, अरे मैं तुम लोगों के साथ मजाक क्यों करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी आलोक सोन से कहता है, अरे सोन, अगर ऐसी बात है तब तो गुल्ली बुल्ली को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो दोनों आए क्यों नहीं? ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी ट्रेन का हॉर्न बजने लगता है। अरे ये क्या, लगता है ट्रेन अब यहाँ से जाने वाली है। और इधर बाबा गुल्ली बुल्ली को स्टेशन पहुँचाने के लिए लेकर आ रहे हैं। स्टेशन पहुँचते ही बाबा कहते हैं, लो गुल्ली बुल्ली, आ गया तुम्हारा स्टेशन। बुल्ली कहता है, वो देखो गुल्ली, लगता है वो हमारा वाला ही ट्रेन है। अरे हाँ बुल्ली, जल्दी गाड़ी से उतरो, ये हमारा ही ट्रेन है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, जल्दी जाओ गुल्ली बुल्ली, तुम्हारा ट्रेन जाने ही वाला है। ठीक है बाबा, ये बोलकर गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए ट्रेन में बैठने के लिए जाने लग जाते हैं। और फिर बाबा भी अपने घर जाने के लिए जीप की तरफ जाने लगते हैं। बाबा देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली का बैग तो जीप में ही छूट गया है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो अपने बैग को जीप में ही भूल कर चले गए। इधर गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ट्रेन स्टार्ट होने ही वाला है और वहाँ पे सारे लोग इन दोनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। येलो क्रिमिनल कहता है, आने में इतनी देर क्यों हुई गुल्ली बुल्ली? गुल्ली कहता है, अरे तुम लोग खड़े होकर यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रेन चलने ही वाली है, जल्दी चलकर ट्रेन में बैठो। ये बोलकर गुल्ली बुल्ली ट्रेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो गुल्ली बुल्ली के बैग को लेकर इधर ही आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को अभी भी याद नहीं है कि इन लोगों ने अपने बैग को जीप में ही छोड़ाया है। ट्रेन में सारे लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से जाने लगता है। अरे अब बाबा क्या करेंगे? अरे ये क्या, बाबा ने तो गुल्ली बुल्ली के बैग को ट्रेन के अंदर फेंक दिया। बाबा चिल्लाकर बोलते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली अपना बैग उठा लो, तुम लोग भूल गए थे। बैग के गिरने की आवाज को सुनकर सारे लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये कौन था और ये अचानक से कहाँ गायब हो गया? लगता है इन सब ने उस अजीब से दिखने वाले इंसान को देख लिया। सोन कहता है, अरे वो किसका बैग गिरा हुआ है गुल्ली? गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन, वो हम लोगों का ही बैग है, लगता है बाबा हमारे बैग को ट्रेन में फेंक कर गए हैं, क्योंकि हम लोग अपने बैग को जीप में ही भूल गए थे। गुल्ली बुल्ली तुम दोनों एक नंबर के भुलक्कड़ हो, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब जाओ अपना बैग खुद ही लेकर आओ। इन लोगों के बहस को सुनकर पर्पल क्रिमिनल कहता है, अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, मैं जाकर ले आता हूँ तुम्हारे बैग को। ये बोलकर पर्पल क्रिमिनल बैग को लाने के लिए जाने लगता है। जैसे ही पर्पल क्रिमिनल बैग को उठाने के लिए झुकता है तभी ट्रेन में हलचल होने लगती है और ट्रेन अचानक से जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या, ये तो फिर से आ गया और अचानक से गायब भी हो गया। और इधर बाबा स्टेशन पर ये सोचकर परेशान है कि गुल्ली बुल्ली ने अपने बैग को देखा भी होगा या नहीं। बाबा ये सब सोच ही रहे थे तभी पीछे से एक दूसरा ट्रेन उसी स्टेशन पे आ जाता है। बाबा दौड़ते हुए ट्रेन के ड्राइवर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर बाबा को देखकर गेट के पास आ जाता है और बाबा से कहता है, क्या हुआ, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे वो मेरे दोस्त लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले जाने वाली ट्रेन से घूमने गए हैं और वो लोग अपना बैग ले जाना भूल गए, लेकिन मैंने उस बैग को ट्रेन के अंदर फेंक दिया। ये बात सुनते ही ट्रेन का ड्राइवर कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? इस स्टेशन में इस समय रात को सिर्फ एक ही ट्रेन चलता है और उस ट्रेन को हम लोग ही चलाते हैं, आप मजाक करना बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। बाबा की ये बात सुनकर दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे अब तुम दोनों को क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम लोग ऐसे देख रहे हो? बाबा आपको पता नहीं है कि आपने जिस ट्रेन को देखा वो कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, वो एक खतरनाक और शापित ट्रेन है।
सापी ट्रेन, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी ट्रेन का नहीं सुना है। तभी दूसरा ड्राइवर बाबा से कहता है, बाबा आप हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि जब से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो ट्रेन हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है, और जो भी उस ट्रेन से जाता है उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट उसी जगह पे होता है जहाँ पे आज से 3 साल पहले हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक पागल इंसान की भी मौत हुई थी, और हमने तो उस पागल की आत्मा को भी भटकते हुए देखा है। अगर आपके दोस्त सच में उस ट्रेन से गए हैं तब तो उन लोगों की जान को खतरा है। बाबा कहते हैं, अरे तो फिर हम लोगों को जल्दी उस ट्रेन का पीछा करना चाहिए, जल्दी मुझे लेकर चलो। हाँ बाबा जल्दी ऊपर आ जाइए, अब और देर मत कीजिए। ड्राइवर बाबा को लेकर सापी ट्रेन का पीछा करने के लिए जाने लगता है। ड्राइवर के साथ बाबा भी उस सापी ट्रेन का पीछा करने के लिए जाने लगते हैं। बाबा ये सब बात सुनकर टेंशन में आ जाते हैं कि गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी रॉड सारे लोगों की जान खतरे में है, पता नहीं वो लोग अभी किस हाल में होंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो एक ट्रेन पलटा हुआ है। अरे ये तो वही सापी ट्रेन है जिसमें गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोग थे। अरे ये क्या, ये लोग तो बिल्कुल ठीक है, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सब लोग धीरे धीरे एक एक करके ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं, और तभी वहाँ पे बाबा दूसरे ट्रेन को लेकर आ जाते हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट को देखकर बाबा ट्रेन को तुरंत ही रोक देते हैं। गुल्ली बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बाबा से कहता है, बाबा आप यहाँ कैसे, आपको कैसे पता चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। बाबा कहते हैं, गुल्ली अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी तुम लोग इंजन में चढ़ जाओ। अरे ये क्या, वो पागल की आत्मा तो इस तरफ ही आ रही है, लेकिन अभी ये सारी बातें इन लोगों को पता नहीं है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मरा हुआ आत्मा है। आलोक कहता है, अरे ये कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है, और ये इतनी रात को कहाँ से चल कर आ रहा है। तभी पर्पल क्रिमिनल कहता है, अरे आलोक मैंने इसे ट्रेन के अंदर भी देखा था। ये सब बातें सुनने के बाद ट्रेन का ड्राइवर कहता है, अरे ये तो वही पागल की आत्मा है जो आज से 3 साल पहले इसी जगह पे मरा था। और वो ड्राइवर ये भी कहता है, मैं तो इसे रोज देखता हूँ, ये रोज ऐसे ही ट्रेन की पटरी पे चलता रहता है, लेकिन हम लोग कभी भी ट्रेन को नहीं रोकते हैं। ड्राइवर ये सब कह ही रहा था कि तभी बाबा ट्रेन के इंजन से नीचे कूद जाते हैं और दौड़ते हुए उस आत्मा की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो पागल आत्मा अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा उसे इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे तुम अचानक गायब क्यों हो जाते हो, जल्दी मेरे सामने आओ। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन के अंदर से झांक रहा है। बाबा वो देखिए ट्रेन के अंदर। बाबा उस आत्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लगता है इसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर बाबा अपनी शक्ति से उसे और ट्रेन को गायब कर देते हैं, और इस तरह से बाबा गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी रॉड और सारे क्रिमिनल की जान बचा लेते हैं, और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें, और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।